तालमेल रहा। असल में मैं आदित्य चोपड़ा से नहीं मिला, मैं यश चोपड़ा जी से मिला हूँ मूवी के प्रीव्यू के दिन। तो पहली दफा मैं मिला उसे, वो मेरे पास आया, उसने बोला कि यू डन अ वेरी गुड रोल, आई एम वेरी शॉक्ड फॉर अ न्यूकमर कि आपने इतना मुश्किल कैरेक्टर किया और बहुत अच्छा किया। उनकी वाइफ पैमांटी ने भी यही बोला था कि यू डन अ रियली गुड, आपका कैरेक्टर बहुत रियल था। तो आई वाज रियली ऑनर्ड बिकॉज़ ऑफ समवन लाइक यश चोपड़ा इज सेइंग टू यू दैट यू डन अ गुड जॉब। आई मीन व्हाट मोर डू आई वांट, इट्स लाइक स्टीवन स्पीलबर्ग कमिंग टू यू एंड सेइंग आफ यू डिड अ गुड जॉब फॉर मी। And Yash Raj is the one of the most respected banners in the industry. So I am very lucky, I am very privileged, and God knows best. But you know, things happen, and they happen. Film ka har ek part bahut pyara hai. Film mein 27 scene hai. Aur har ek scene apne aap mein qabil e tareef hai. Ji. Ali Zafar, Imran Khan, Katrina Kaif. Ji. In teenon ke beech mein aapne apne aap ko kaisa mehsoos kiya? See, honestly speaking, mujhe pata bhi nahi chala ki main naya actor hu. Ali Zafar is an amazing guy, brilliant actor, in my opinion, natural, so I think he nahi karte, matlab he just does, uske mind mein soch bhi nahi hai ki ye karu wo karu, he just does, so he's very natural. Imran Khan is very humble, you know, maine ek apne blog pe likha tha ki pehle din ki shuru meri aankhon mein conjunctivitis ho gaya tha, so I was in really bad condition, I'm wearing glasses, and every time the shot was taken I had to take my glasses off, and Imran Khan would go and find them for me, you know, he doesn't have to do that. You know, he's very human, very humble guy. And again, मुझे मतलब लोग बोलते हैं कि were you nervous? No, I wasn't nervous. I'm not being arrogant, but I wasn't nervous. I was comfortable because पूरा टीम जो है, in fact, Mr. Pritchett Sahni भी जो है, उसने मुझे बहुत अच्छा support किया. You know, he gave me some advice, some tips. Don't do this, do this, and he was a very good support. And also, I have a friend of mine called Irfan Bhai, who's an acting teacher. मेरे audition के पहले मैं उससे जाके मिला था. उसने मुझे एक घंटे में फैंटास्टिक थोड़ा सा ट्रेनिंग दिया है, उसकी वजह से मुझे रोल मिला है मेरे ओपिनियन में, दैट अ ग्रेट जॉब, सो द थीम इज गुड। फिल्म लाइन की अगर स्टोरी की बात करें, या शायद बैनर की अगर बात करें, या डायरेक्शन में अली अब्बास सफर की बात करें, या आपके जो को एक्टर हैं सब साथ में आपको इतना कोऑपरेट किया, अब इस फिल्म के बाद और कोई एक आध ऑफर मिला आपको फिल्म के लिए? नहीं, अभी फिल्म अभी रिलीज हुई है और मैंने अपना कुछ प्रमोशन किया नहीं अभी तक, लेकिन सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि तुमको ऑफर मिलेंगे, और एक्चुअली नाउ मेरे माइंड में ये आ गया, मैं अपना प्रोफेशन कभी नहीं छोड़ूंगा जो मैं करता हूँ, आई लव व्हाट आई डू, दैट्स माय लाइफ, बट एक्टिंग इज इट्स मेड मी रियलाइज दैट इट्स अ ब्रिलियंट प्रोफेशन, बिकॉज आप हर रोज मतलब डिफरेंट डे यू कैन बी अ डिफरेंट कैरेक्टर, आपका ट्रू पर्सनैलिटी, आपका ट्रू कैरेक्टर यू कैन ब्रिंग आउट। सो मेरा ड्रीम है कि मैं विलेन का रोल करूँ, लोग बोलते हैं मैं विलेन लगता नहीं, लेकिन मैं विलेन बन सकता हूँ, एंड ऑफ कोर्स माय आइडियल ड्रीम एवर वुड बी टू वर्क विद अमिताभ बच्चन, बिकॉज यू नो ही इज फॉर मी द ग्रेटेस्ट बॉलीवुड एक्टर दैट्स एवर बीन, यू नो, एज वेल एज दिलीप कुमार ऑफ कोर्स। फिल्म के दौरान किसी बॉलीवुड एक्टर से या बातचीत हुई, या किसी ने आपको अपने कैरेक्टर के बारे में सजेस्ट किया कि इस तरह से नहीं, इस तरह से करो? तो मैं पहले दिन शूट किया था, वो था पटियाला में, पटियाला हाउस पैलेस, एंड मैं वहाँ इमरान खान से मिला, और इमरान खान ने मुझे बोला कि आई फील गुड फॉर यू बट आई ऑल्सो फील बैड फॉर यू। मैंने बोला व्हाई? बोलते यू हैव गॉट द मोस्ट डिफिकल्ट कैरेक्टर इन द मूवी, ईदर यू विल डू अ ग्रेट जॉब और यू विल डू अ बैड जॉब, एंड यू नो, एंड ही दैट काइंड ऑफ मोटिवेटेड मी, मुझे उस टाइम पे डर नहीं लगा, मैंने बोला वाओ दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू परफॉर्म इन समथिंग दैट इज वेरी डिफरेंट एंड वेरी एक्साइटिंग। अदरवाइज जो टीम है जिसके साथ मैं काम कर रहा था, वो लोग दे वर वेरी हेल्पफुल। आई मीन see, people generally don't like advice because they think, ah, we just, you know, I don't know. I'm very open to advice. I ask people. You know, I went up to the director. Director was brilliant, by the way. You know, he knows how to deal with people. जब मुझे कुछ अच्छा करना था या improve करना था, he वो public में नहीं बोलता. He'll call you to the side. Often, you should do this. You should do this. You should do this. And from that perspective, the support was good. I mean, I didn't find it difficult. In fact, everybody told me कि ये जो experience आपका था, ये आपका best experience है. हमेशा ऐसे नहीं होता है, यू नो, सो डोंट गेट टू यूज्ड टू इट, समटाइम्स द सिचुएशन इज डिफरेंट, बट आई एम अ ऑप्टिमिस्टिक मैन, आई थिंक के जो भी मेरे लाइफ में आएगा आई विल वैल्यू इट एंड आई विल डू द बेस्ट आई कैन। आप एक बुक भी लिख रहे हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ बॉलीवुड एक्टर्स, जी किस तरह की बुक्स होगी? असल में आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि मैं इंग्लिश स्कूल में बिल्कुल फेल था, मैथमेटिक्स फेल हूँ, इंग्लिश फेल हूँ, मैं प्राउड नहीं उस बात का, लेकिन रियलिटी है। तो एक दिन मैंने सोचा कि मुझे अपनी लाइफ बदलनी है, कैसे बदलना हो, परेशान था ना, व्हाट टू डू, मैंने वजन इतना था पहले, एंड देन वन डे आई डिसाइडेड टू स्टडी, मैंने सोचा कि लोग खुश क्यों होते हैं, तो मैंने एक सब्जेक्ट पकड़ा पर्सनल डेवलपमेंट, मैंने अपने आप को बदला, विद इन टू ईयर्स वेट लॉस कॉन्फिडेंस सब कुछ आ गया,
फिर मैंने सोचा कि एक चीज मैं करना चाहता हूँ जो लोगों ने बोला तुम कभी कर ही नहीं सकते हो, तो वो था बुक लिखना। तो मैंने अपनी पहली बुक लिखी, वो बुक सक्सेस हो गई थी, यू कैन यू विल, इट्स योर चॉइस। फिर मैंने अपनी सेकंड बुक लिखी है, सीक्रेट मिलेनियर ब्लूप्रिंट। फिर मैंने थर्ड बुक लिखी है, बिकम रिच नाउ। फिर मैंने फोर्थ बुक लिखी है जिसका टाइटल भी नहीं है, रिलेशनशिप के बारे में। और मैं इंग्लिश फेयर हूँ, मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आपको कुछ करना है लाइफ में, यू कैन डू लाइक दैट, एनीवन कैन डू, खाली फोकस डिटर्मिनेशन। अभी मैंने जो एक्टिंग की, मैं काफी बॉलीवुड स्टार्स को जानता भी हूँ, मेरे काफी क्लाइंट्स भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं माइंड कोचिंग में, नाम नहीं दूंगा बिकॉज फॉर प्राइवेसी रीजंस। बट फिर मैंने सब, मैं काफी लोगों से मिला हूँ, मैं सलमान खान से मिला हूँ, मैं शाहरुख खान से मिला हूँ, मैं ऋतिक रोशन से मिला हूँ, मनीष अरोड़ा से मिला हूँ, काफी लोगों से मिला। और मैंने देखा कि इनके माइंड में सबके पास सक्सेस ब्लूप्रिंट है, ये चांस की बात नहीं है कि अजय देवगन को देखो, राइट, शाहरुख खान को देखो, देर आर द बेस्ट लुकिंग पीपल इन द वर्ल्ड बट दे आर ब्रिलियंट इन व्हाट दे डू बिकॉज़ दे हैव अ ब्लूप्रिंट। सो आई एम राइटिंग अ बुक राइट नाउ ऑन द सीक्रेट ब्लूप्रिंट ऑफ द टॉप बॉलीवुड एक्टर्स एंड हॉलीवुड एक्टर्स ऑफ कोर्स। अब कितनी उम्मीदें हैं बॉलीवुड से मेरे ब्रदर की दुल्हन के बाद? हे, आई बिलीव इन गॉड एंड आई थिंक अल्टीमेटली गॉड विल डू व्हाट्स राइट फॉर मी। मैं डिस्प्रेशन नहीं करता हूँ कि हाँ मुझे मिलेगी, आई वांट अ मूवी, आई वांट अ मूवी। यस, आई विल वर्क टुवर्ड्स इट। फ्री में कुछ नहीं आता है लाइफ में, यू हैव टू पुट एफर्ट इन। अगर मुझे मूवी मिले आई विल लव टू डू, अगर मुझे नहीं मिले तो गॉड नोज बेस्ट, यू नो, एंड दैट्स हाउ आई बिलीव। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई गॉट माय रोल, बिकॉज यू नो आई थिंक डिस्प्रेशन में आदमी प्रेशर में आ जाता है, उसकी लाइफ खराब हो जाती है, फिर वो हमेशा वरी करते कि लोग क्या बोलेंगे। लोग मुझे बोलते हैं अगर तुमको दूसरी मूवी नहीं मिले तो क्या करोगे, कुछ नहीं करूंगा, आई एम हैप्पी, आई गॉट अ ग्रेट मूवी, यस श्योर, बट आई एम कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ, आई विल गेट मूवीज, नॉट बिकॉज आई एम super confident guy, I am a focused guy and I know that I've enjoyed this, and because I've enjoyed this so much, I'm very very sure, God willing of course, that I will get more work, confident. Chalte chalte Hindustan ki janta se kya kehna chahenge? Main bolna chahta hu ki number one is this, ki aapki jo dreams hain wo pure ho sakte hain, ye khali bolne ki baat nahi hai, sachai ki baat hai. Jo India mein aa gaya, India mein population 1 billion logon ka hai, 1 billion opportunities hain, Bollywood is big, business is big, jobs are big, in fact family is big, everything is big here. Difference khali ye hai ki aapko apni soch ko us taraf rakhna hai ki I can achieve, I will achieve and I want to achieve. Problem ye hai ki majority log apne paas dreams hain unke paas, lekin wo kya soch rahe hain ki you know main kaise karunga, mere paas paisa nahi hai, meri age nahi hai, education nahi hai, kuch farak nahi padta hai. Aap dekh lo aapke Bollywood mein Govinda jo hain kahan se aaye hain, Shahrukh Khan kahan se aaye hain, Akshay Kumar kahan se aaye hain, all these actors have come from nowhere yet they become superstars. आपके बिजनेस में देखो, आपको जैसे धीरू भाई अंबानी को देखो, वे वो जी बिफोर, सुब्रत रॉय को देखो, वे वो जी बिफोर, आपके पास थाउजेंड एग्जाम्पल्स हैं, महात्मा गांधी जी को देखो, वे फ्रॉम व्हाट ही डिड टू व्हाट ही डिड, अन्ना हजारे राइट नाउ वो क्या कर रहे हैं अभी, सो आपके पास रोल मॉडल्स हैं, थाउजेंड मॉडल्स, बिलीव इन योर ड्रीम्स बट डू समथिंग अबाउट इट। खाली पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं होगा लाइफ में, पॉजिटिव एक्शन से कुछ होगा, एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव, टेक एक्शन, बिलीव इन योर ड्रीम्स, और जो आपके साथ आसपास लोग हैं अच्छे लोग रखो जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको नहीं बोलेंगे नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, उनको उनको गेट रेड ऑफ देम, एंड इफ योर फैमिली इज स्टॉपिंग यू, रिस्पेक्ट योर फैमिली बट बिलीव इन योर ड्रीम, दैट्स व्हाट आई थिंक। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। यार मुझे ये आई वाज शॉक्ड व्हेन आई गॉट दिस मूवी, पैशन सबसे बड़ा दलील अगर देखी जाए कुरान को पढ़े और समझे, बीमारी से लेके सब कुछ, बिजनेस से लेकर हर चीज, गवर्नमेंट फाइनेंस सब कुछ,